हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ट्रैवल के लिए कुछ नाश्ता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा। अब उसी में डालेंगे हम 1 कप पिसा हुआ चीनी। सारी सामग्री को पहले मिक्स कर देंगे अच्छे से। लेंगे हम मोइन। यहाँ पे हम मोइन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे ताकि हमारे शक्कर पारे क्रिस्पी बने। हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद गया है। अब हम इसको 5 मिनट ऐसे नीट करते मसल लेके हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम दूसरी प्रकार के शक्कर पारे बना रहे हैं। उसके लिए लिया है मैंने 2 कप मैदा, नमक, मोइन के लिए डालेंगे हम तेल। आटे में भी हम अच्छे से मोइन डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे ऐसे करके। हमारा मोइन मिक्स हो गया है अच्छे से। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। हमने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको 5 मिनट मसल देंगे अच्छे से। हमारे दोनों आटे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए हमें 10 मिनट हो गया है। तो चलो अब हम इसकी फिर से हम आटे को ऐसे मसल लेंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हम आटे की बड़ी लोइयां कर लेंगे और हम इसको बेल लेते हैं। हमने बेल लिया है। इसकी थिकनेस हमने थोड़ी मोटी ही रखी है। अब हम इसके मार्क लगा देंगे सहायता से। इसे हम कट कर देंगे पहले। छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम ऐसे एक 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 डालते जाएंगे अलग अलग करके। सारे ऐसे हम डालते जाएंगे। यहाँ पे हमारी गैस की फ्लेम स्लो ही है। फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। सारे शक्कर पारा को लाइट गोल्डन होगा तब तक। ऐसे ही हमें धीमी फ्लेम पे ही गोल्डन फ्राई हो तब तक हमें उसका फ्राई करना है। अब दूसरी प्रकार के बनाते हैं शक्कर पारा, जिसके लिए हम थोड़ा मोटा मार्क लगाएंगे। यहाँ पे हमने मार्क लगा दिया है सब में। अब हम इसको फ्राई करते हैं। इसे हम सारे डाल देंगे। यहाँ पे हमारे दूसरे प्रकार के भी शक्कर पारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे हमारे 2 प्रकार के शक्कर पारे रेडी है। एक है नमकीन और एक है मीठा शक्कर पारा। ये शक्कर पारे को हम एयरटाइट कंटेनर में 15 दिन तक भी रख सकते हैं। होप सो कि ये शक्कर पारा की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।